हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडी फूड्स। हम में से बहुत सारे लोगों को साउथ इंडियन डिशेज़ का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और उनमें से मैं भी एक हूँ। और साउथ इंडिया का एक बहुत ही फेमस स्नैक है जिसे हम अप्पम या अप्पे के नाम से जानते हैं। और इस स्नैक को बनाने के लिए एक खास यूटेंसिल की ज़रूरत होती है जिसे हम अप्पे मेकर कहते हैं। मार्केट में बहुत तरह के अप्पे मेकर्स आजकल अवेलेबल हैं। मैंने जिस अप्पम मेकर को चूज़ किया है उसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने परचेज किया है ये एक कास्ट आयरन का अप्पम मेकर और आपको बता दूं कि वज़न में ये काफ़ी ज़्यादा है। और कास्ट आयरन के बर्तनों की देखभाल कुछ खास होती है और इसके साथ ही इसके बेनिफिट्स भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कास्ट आयरन के बर्तनों को हम कैसे देखभाल करेंगे और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी अप्पम बनाने की एक रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है डायनेमिक कास्ट आयरन का अप्पे मेकर। ये एक रेडी टू यूज़ और प्री सीजनड कुकवेयर है जो कि एक ऑर्गेनिक कुकिंग ऑयल से सीजन किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सभी कास्ट आयरन के कुकवेयर्स को सीजन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सीजन करना मीन्स कुकवेयर के ऊपर एक ऐसी एडिबल ऑयल की परत को चढ़ा देना होता है जिससे कि ये एक नेचुरल नॉन स्टिक की तरह काम करने लगता है और साथ ही ये लेयर उसे रस्टिंग होने से भी प्रिवेंट करती है। मैनुअल के अकॉर्डिंग मेरा ये कुकवेयर प्री सीजनड है पर उसके बावजूद इसे एक बार सीजन करना ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी सीजनिंग के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे। पहले स्टेप में हमें इस कुकवेयर को एक वेट क्लोथ से या फिर पेपर टॉवल से अच्छे तरीके से पोंछ लेना होगा। पर ध्यान रहे कि ये स्टेप हमें कुकवेयर के दोनों साइड में करना है। ऐसा करने से कुकवेयर पर लगी हुई कोई भी धूल मिट्टी या फिर इम्प्योरिटीज हट जाती हैं। और स्टेप टू में हमें फौरन ही इसे एक ड्राई कपड़े से अच्छी तरीके से सुखा लेना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप थ्री की तरफ। और इस स्टेप में हमें कुकवेयर के दोनों ही तरफ एक किसी भी कुकिंग ऑयल की एक बहुत ही थिन लेयर को चढ़ा लेना है। अगले स्टेप में हमें इस पैन को गर्म करना है एक लो मीडियम फ्लेम पर और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा ज़्यादा ऑयल। और यहाँ पर मैंने एक से दो प्याज ले लिए हैं और उन्हें छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और इस तेल के गर्म हो जाने के बाद इसकी सभी कैविटीज़ में हम थोड़ा थोड़ा अनियन ऐड कर देंगे और इसे हमें भूनना है जब तक ये अनियन ब्राउन या गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। कास्ट आयरन यूटेंसिल्स के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और इस कास्ट आयरन यूटेंसिल में मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैंने इसको फ्लेम पर चढ़ाया तब सेंटर में ये जल्दी गर्म हो जाता है और साइड्स में इसको गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि कास्ट आयरन एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है इन कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इसलिए फ्लेम को अगर हम तेज रखेंगे तो बहुत ही जल्दी इसके चारों तरफ हीट का फैलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस बर्तन में कुकिंग करते समय हमें हीट को लो फ्लेम पर ही रखना चाहिए ताकि ये पूरी हीट पूरे बर्तन में एक साथ इवेंटली फैल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़े ही समय बाद मेरे पूरे ही कुकवेयर में चारों तरफ हीट अच्छे तरीके से पहुँच पा रही है। और अब बारी आती है अगले स्टेप की और इसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस यूटेंसिल को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। यूटेंसिल के ठंडा हो जाने के बाद हम इस प्याज को डिस्कार्ड कर देंगे और साथ ही इसे एक टिश्यू पेपर की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और अब हमारा ये यूटेंसिल रेडी टू यूज है और ये पूरी तरह से सीजनड हो चुका है। कास्ट आयरन पैन को सीजन करने का एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं और उस मेथड में हम इसे थर्ड स्टेप के बाद एक हल्की सी ऑयल की लेयर लगाने के बाद सीधे ही गैस स्टोव पर चढ़ा देते हैं और उसे हमें तब तक गर्म करना होता है जब तक कि उसमें से हल्का सा धुआं नहीं निकलने लगता। पर इन दोनों ही मेथड्स में पहला मेथड ज्यादा इफेक्टिव है। चलिए अब हम देख लेते हैं अप्पम बनाने की सबसे सिंपल रेसिपी। तो
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कास्ट आयरन कुकवेयर से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। स्टडीज में ये पाया गया है कि कास्ट आयरन के पैन्स में बना हुआ खाना एक नॉर्मल आयरन के पैन में बने हुए खाने से ज्यादा मात्रा में आयरन को फूड के अंदर रिलीज करता है, और टिपिकल नॉन स्टिक पैन्स के अगेंस्ट ये कास्ट आयरन के पैन्स हमें एक केमिकल फ्री कुकिंग को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कास्ट आयरन यूटेंसिल्स के लिए अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंटेनेंस करना पड़े तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और अब हम बात कर लेते हैं कुकिंग के बाद आफ्टर क्लीनिंग की। हर बार कुकिंग करने के बाद हमें इन यूटेंसिल्स को वॉश करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिंपली उन्हें एक वेट क्लोथ से पोंछ लेना होता है और उसके फौरन बाद ही हम उसे ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एक कोई भी कुकिंग ऑयल, और इसको हम बहुत ही पतली लेयर के फॉर्म में पूरे ही यूटेंसिल पे स्प्रेड कर देंगे, आगे और पीछे दोनों ओर, और इस तरह इस पैन को हम स्टोर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।